My name is Laurie Ditto and I'm very excited to be with you today. मेरा नाम लॉरी डिटो है और मैं बहुत ही उत्सुक हूं आपके बीच में होते हुए. Why make a show about eternity because you and I will spend our eternity someplace. अनंतता के बारे में क्यों कार्यक्रम कर रहे हैं क्योंकि आप और हम अनंत में ही समय व्यतीत करने वाले हैं. It is my goal that through this show One billion souls will be saved. मेरा लक्ष्य यह है सैकड़ों लोग इस कार्यक्रम के द्वारा बचाए जाए इसलिए ये कार्यक्रम आपके लिए आपके परिवार के लिए आपके सारे मित्रों के लिए और आपके सारे सहकर्मियों के लिए है एंड होपली ओवर दीज य आशा करती हूँ कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप ये जानने पाएंगे कि जो एक आशा जो अनंत में जीने के लिए है बहुत से दर्शनों में प्रभु यीशु मसीह ने मुझे स्वर्ग और नरक में लेके गए हैं ये मुझे कुछ खास तो नहीं बनाता है मगर वो मुझे जिम्मेदार बना देता है You know as we look at the scriptures we see there's only one Moses, one apostle Paul, one you, one me. Bible mein jab hum dhyan dete hain hum dekhne pate hain ki ek hi Musa tha, ek hi Paulus hain aur ek hi aap hain That makes you very special. Aur woh aapko khaas bana No one can do your part. That's the will of God.

उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया है यू सी लाइफ Is what God has promised us. आप देखते हैं कि अनंत जीवन की ही प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने की है क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता है, उसके वचन पर हमें पूरा मानना जरूरी है सो नोइंग इन यू स्पेंड ये इसीलिए आप अनंत कहाँ व्यतीत करने वाले उसे जानना आज आपके लिए महत्वपूर्ण है

इसलिए ये मेरे लिए आदर की बात है कि उन बातों को बांटने के लिए जो दर्शन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिखाए हैं और ले चले हैं और मैं शुरुआत से शुरू करना चाहती हूँ इन टू थाउजेंड माई लाइफ वेरी वेरी इन सन दो हजार में मेरी जिंदगी बहुत ही दुख से भरा हुआ था आई वॉज सिक एंड सुड मैं बीमार थी और आत्महत्या करने वाली थी There were demons in my home that came and kept telling me that I must take my own life. बार बार now you may ask how did demons come into my home? Demons can go wherever they want except into the places of the Lord God Almighty. शैतान जहां वो जाना चाहता है वो जा सकता है सिर्फ जो सर्वशक्तिमान के स्थान है उसके स्थान के अलावा एंड वी वर नॉट क्रिश्चियन एट दिस टाइम और उस समय हम मसीही नहीं थे सो द डीमंस केप टॉकिंग टू मी एंड मेकिंग मी मोर एंड मोर सैड वो शैतान मुझसे बार, बार बार बात कर रहा था और मुझे और दुखी बना दिया था बट गॉड हैड अ प्लान फॉर माय लाइफ मगर परमेश्वर मेरे जीवन के प्रति एक योजना रखे हुए थे

I must go here. और मुझे जब वो डाक मिला तो मुझे लगा कि इसमें कुछ जीवन है और मुझे वहाँ जाना जरूरी है और वो सभा हाँ की शहर में होने वाला था जो मिजोरी में है But for me, this was 14 hour drive. और मेरे लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए चौदह घंटा गाड़ी चलाना पड़ेगा I was desperate for this फॉर और मैं इसके लिए बहुत ही तत्पर हो चुकी थी so I asked my husband,

By Jesus Christ. मगर हम हर एक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए हैं। us, जब उन्होंने हमें बनाया, कि वो बनाया कि कि वो वो शरीर के अंदर से वो बात कर sure मैं निश्चय जानती हूँ कि यीशु आपसे बात कर रहे हैं मगर आप उसकी आवाज को पहचान नहीं पा रहे हैं बट ऑन दिस डे व्हेन ही स्पोक मगर उस दिन जब यीशु मसीह ने मुझसे बात किया मुझसे एक सवाल किए यूट उन्होंने मुझसे पूछा तुम क्या चाहती हो wow, what an ओ, कितने एक अद्भुत सवाल है ये and you know what I to know right away? आप जानते थे उस वक्त मैं क्या जानना चाहती थी देव आर समीपल देर एंड देर दे वहाँ पे कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे जो पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा प्रार्थना कर रहे थे They were praying in what's known as tongues. अब वो लोग ऐसे प्रार्थना करते थे जिसे हम अन्य भाषा बोलते हैं। I always wondered, is this true? आ, मैं हर वक्त सोचती थी क्या ये सच है Is this real? क्या ये वास्तविक है And is it as powerful as people say? जैसे लोग बोलते हैं क्या ये सामर्थी है So I answered the Lord God and said, मैं 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 प्रभु को उत्तर दिया कहने लगी मैं जानना चाहती हूं कि क्या अन्य अन्य भाषा भाषा वाकई में में सच है और अचानक जो हूं में, गीत गाने लग गई you know, जब आपके होने लगता है तो बहुत ही आसान होता है कि उस पर विश्वास करने के लिए और ये पवित्र आत्मा का बहुत ही शक्तिशाली वरदान है। इस वरदान को इस्तेमाल करने के द्वारा ऐसे लगा कि एक नदी मेरे अंदर उछल रहा है और इस नदी के द्वारा मैं जानने लगी कि जो है दुख मुझसे दूर हो रही है एंड आई वेड मोर और इसे मैं और चाहनी लग गई एंड देन

जब मैं वापस आई परमेश्वर से मांगने की एक बड़ी सूची के साथ आई नाउ रिमेम्बर आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम सुसाइडल थॉट्स आप याद रखें कि मैं जो हूं आत्महत्या के विचार में जूझ रही हूं बट माय लिस्ट आस्क्ड गॉड फॉर थ्री थिंग्स

मैं सोच रही थी कि मेरा नाम डिडो है जिसका मतलब दो है तो इसीलिए मेरे लिए दो चीजों की जरूरत है करके एन थिंग तीसरी बात जो मैं परमेश्वर से मांग रही थी कि संसार में शांति हो एंड like मैं सोचने लगी कि यीशु मसीह क्या वो जीनी के समान है जो बोतल में कैद है

अब मेरे लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा था क्योंकि उस वक्त मेरे विचार स्वर्गीय विचार नहीं था। बहुत से बार जब हम परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए आते हैं तब तो हमारे विचार स्वर्गीय विचार नहीं होता है। मगर वो तो तत्पर समय पर ही परमेश्वर आए और मुझे अपने कब्जे में ले लिए

यीशु मसीह इतना सुंदर पुरुष है जिसे आप कभी पहले नहीं मिले होंगे him, और जब मैं उसे देखने लगी तो वो चाहता था कि मैं उसे निहारने लग जाऊं देखने लग जाऊं सो ही टर्न हिमसेल्फ ऑन लाइक द सन और वो अपने आप को मेरी ओर फेर दिए जैसे एक सूरज के समान एंड देन आई कुड सी ही इज फुली गॉड और तब मैं देखने लगी वो संपूर्ण तरीके से वो परमेश्वर हैं। और इतने जो है चमकदार थे कि मुझे अपने आंखों को बंद करना पड़ा मगर यीशु ये नहीं चाहते कि जब हम उनके साथ हो तब अपनी आंखों को बंद कर लेंट आई खुड सी हेम अपना तेज उन्होंने अपने आप की कम कराई जिससे कि मैं उसको देखने लग जाऊं।

मगर मेरी दुखी और उस खोए भी परिस्थिति में मुझे सूरज थोड़ा ही देख पा रही थी ताकि उसकी तेज कम होने के द्वारा ही वहां पर जो सृजनहार आसमान और पृथ्वी का खड़ा है मुझ में जो कुछ था वो जान पा रहा था कि मेरी रचेता कौन है

उसके राज्य का अंत नहीं है और उन्होंने मुझसे इतना प्रेम किया है कि मैं उसके पास जाऊं और उसको पुकारने लग जाऊं। स्वर्ग के इस दर्शन के बारे में मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए But it was in this vision that I understood I have an eternal life. इस दर्शन में ही मैं ये बात को सीखने लगी मेरे लिए अनंत के लिए एक बात है और शैतान चाह रहा था कि मैं अपनी जिंदगी की अंत कर लू जिससे कि मैं ये की इस बातों को देखना पाऊ सो मच मोर टू मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए मगर अब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ oh, मेरे सारे नए मित्र आई लुक फॉरवर्ड To this show with you. आशा करती कि आगे इस कार्यक्रम में बारे में और ज्यादा जो है प्रकट करने लगेंगे और बताने लगेंगे वी विल आर लाइफ फॉर इथर्निटी हम जयवंत होने पाएंगे की हम अपने जीवन अनंत के लिए जीने पाए

प्रभु हम और बेहतर तरीके से आपको जानना चाहते हैं। प्रभु हम अपने आप को समर्पण करते हैं आपके लिए। so that we can live for eternity, ताकि हम अनंत में जैवन तरीके से जीने जैवंतरीके oh, प्रभु हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं आज के दिन के लिए धन्यवाद A great day today. एक महान दिन जो आज हैल्ड आर हार्ट कोई भी बीमारी कोई भी दुख हमारे हृदय को पकड़ नहीं सकता है प्रभु इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक लिए इस बातों के लिए उनके लिए प्रार्थना करती हूँ फिर दोस्त नो यू स्ट्रॉगली जो आपको बलवंत तरीके से जानते हैं फिर नो यू बेटर जो आपको उत्तम तरीके से जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं एंड फिर दो और उनके लिए भी जो अभी आपको जानने लगेंगे प्रभु। प्रभुसिंग प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ की अपनी उपस्थिति में हमें लेके आइए हालेलुया हालेलुया लुया हालेलुया लुया आमीन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टूडे

प्लीज सेंड योर टेस्टिनी टू जीजस मिनिस्ट्रीज नंबर वन हंड्रेड एंड टेन ओल्ड जी एन टी रोड कारनोड चेन्नई सिक्स जीरो जीरो जीरोनाडु इंडिया और ईमेल एड्रेस इन्फो एट जीजस मिनिस्ट्रीज डॉट ओ अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए Jesus Ministries, संख्या एक सौ दस पुरानी जीएनटी रोड कारनोडई चेन्नई छून्य चे, शून्य 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 छह सात तमिलनाडु भारत हमारे ही मेल पता इन्फो एट जीसस मिनिस्ट्रीज डॉट ओ आर जी